हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, मतलब ये भी एक कंप्यूटेशनल मेथड ही है। इस क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। होता क्या है इसमें, ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है इसमें, मतलब मैथमेटिकल सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका, फजी लॉजिक का। देखिए क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं अपनी लाइफ में, तो कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम उसका यस या नो में सिर्फ जवाब दे सकते हैं। मतलब आप कल कॉलेज गए थे तो आपका जवाब होगा हाँ या ना, आप गए होंगे तो हाँ, नहीं गए होंगे तो नहीं, ऐसा हो गया। ठीक, तो इसका क्या है, हम सिंपली यस और नो के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट हम जवाब नहीं दे सकते उसको, तो वहाँ पे फजी लॉजिक का रोल आता है। एक जो हमारी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है उसमें से बेस्ट जो डिसीजन है, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो मेथड है, वो है फजी लॉजिक। इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास होता है एक बूलियन लॉजिक और हमारे पास ये है फजी लॉजिक। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम कि हमारे पास पानी है, ग्लास में पानी है, तो क्वेश्चन है कि इज़ इट हॉट वाटर, क्या ये पानी गर्म है। ठीक, तो क्या होगा सवाल, जवाब बूलियन लॉजिक के अनुसार यस या नो, दो चीज़ होगी, हाँ ये पानी गर्म है या नहीं है, तो हाँ या ना अगर आप जवाब देते हैं बूलियन लॉजिक के हिसाब से, तो यस के लिए एक वैल्यू मिलती है और नो के लिए ज़ीरो वैल्यू मिलती है। अब नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं, वही पानी है हमारे पास तो, और हम क्या है, सवाल भी हमारा वही है कि क्या ये पानी गर्म है, तो क्या होगा, आप फजी लॉजिक के अनुसार कंडीशंस इसमें आएंगी, मल्टीपल कंडीशंस, वेरी मच हाँ ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, लिटिल बहुत कम मतलब थोड़ा सा गर्म है, या फिर वेरी लेस बहुत कम गर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फजी लॉजिक। और फजी लॉजिक में क्या होता है ना, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट, तो इसमें ज़ीरो से वन के बीच में वैल्यूज दी जाती हैं उन कंडीशंस के लिए। ठीक है, जैसे वेरी मच है तो 0.9, वेरी लिटिल है तो 0.25, वेरी लेस है तो 0.1, तो इसको हम क्या कहते हैं, फजी लॉजिक कहते हैं। तो फजी लॉजिक में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इसको पढ़िए कि फजी लॉजिक क्या है, इज़ डिफाइंड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये तो सब पहले बात हो गई कि क्या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, दैट प्रपोजेज मल्टीपल ट्रूथ वेरिएबल्स, जो क्या करते हैं मल्टीपल ट्रूथ वेरिएबल्स प्रपोज करता है, विच कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में क्या हो, कोई भी रियल नंबर होता है। यहाँ पे क्या है कि फजी लॉजिक क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि क्या ये पानी, एक प्रॉब्लम हमारी क्या है, हमारे पास एक सवाल है कि क्या ये पानी गर्म है, तो फजी लॉजिक क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है हमारा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये पानी गर्म है कि नहीं, उसके लिए क्या करता है, मल्टीपल ट्रुथ वेरिएशन देता है, ये मल्टीपल ट्रुथ वेरिएबल्स देता है, ये मल्टीपल ट्रुथ वेरिएबल्स देता है, और वो वेरिएबल 0 से 1 के बीच में होते हैं। जैसे क्या बोलेगा, वेरी मच ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके लिए ये वैल्यू देता है 0.9, कम गर्म है लिटिल तो 0.25, और बहुत कम गर्म है तो वो 0.1। तो ये क्या होता है, ये फजी लॉजिक होता है और इसको हम फजी सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट हुआ कि फजी लॉजिक ये होता है। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं, देखिए फजी लॉजिक इज डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये हमने बात की कि ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, दैट प्रपोजेस मल्टीपल ट्रूथ वेरिएबल्स, जो क्या करते हैं मल्टीपल ट्रूथ वेरिएबल्स आपके सामने रखेगा उस क्वेश्चन के लिए, विच कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर होगा, एज अपोज टू द बाइनरी वर्जन ऑफ द ट्रूथ विच कैन बी ईदर बाई 0 और 1, और ये अपोजिट होता है किसके, बाइनरी वर्जन ऑफ ट्रूथ के, जैसे बूलियन रीजन में होता है यस या नो सिर्फ होता है इसमें। तो ये होता है हमारा फजी लॉजिक। कुछ और एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए कोई कोई गाड़ी चल रही है, तो किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड क्या है, मान लीजिए तो गाड़ी की स्पीड क्या है, तो
बूलियन लॉजिक के अनुसार क्या होगी, कोई एक वैल्यू होगी, बहुत तेज होगी या कम, स्पीड क्या होगी, फास्ट या स्लो, ये होगी बस बूलियन लॉजिक के अकॉर्डिंग। लेकिन फजी लॉजिक के अकॉर्डिंग ही वही क्या होगी, स्पीड होगी, क्या होगी कि वेरी फास्ट, क्या कहते हैं उसको, फेयर फास्ट, मतलब बीच में है, उसके बाद वेरी स्लो, ठीक है। तो ये होता है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक में बेसिकली क्या है, ये वाली जो डेफिनेशन, ये जो लाइन है, इसको आप देखेंगे, और ये वाली भी अगर आप पढ़ लें कि क्या ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है, मतलब मैथमेटिकल सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें, दैट अलाउज फॉर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रेसिजन। तो ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है अनसर्टेनिटी की, आप कन्फ्यूजन में है, आपको कुछ निश्चित नहीं है डिसीजन के लिए, तो उसके लिए फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है। फजी लॉजिक क्रिएटेड इन 1965 में ये डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लॉट फी डे के द्वारा। अब देखिए ये चीज़ यहीं पे लिखी है कि फजी लॉजिक कंटेन्स द मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज। फजी लॉजिक्स में क्या होता है, मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज होते हैं, एंड दीज वैल्यूज आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के ये ट्रुथ वैल्यूज होते हैं, और प्रॉब्लम बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है बूलियन सिस्टम के बारे में, कि बूलियन सिस्टम में क्या होता है, केवल दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 और 1 होता है, और वहाँ पे 1 किसको डिनोट करता है, ऑब्सोल्यूट ट्रुथ को डिनोट करता है, और 0 एब्सोल्यूट फॉल्स को डिनोट करता है। वहीं फजी सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पे, जो 0 और 1 के बीच में होती हैं, और वो पार्शियली फॉल्स होती है और पार्शियली ट्रू होती है, ठीक, ऑब्सोल्यूट फॉल्स या ऑब्सोल्यूट ट्रू नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो फजी लॉजिक है, उनको कई तरह के सिस्टम्स में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर, वर्क स्टेशन बेस्ड सिस्टम्स में, या फिर लार्ज नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स में यूज़ किया जा सकता है, ताकि एक डेफिनेट आउटपुट लिया जा सके। तो इसका बेसिकली यूज़ आप समझ गए ना, कि जहाँ पे अनसर्टिनिटी वाली, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन रहती है, कोई एक डिसीजन नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है। इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फजी लॉजिक। फजी लॉजिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो देखिए दिस कॉन्सेप्ट इज फ्लेक्सिबल एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट इट। तो जो फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट है वो आसान होता है, और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है, इट इज़ यूज फॉर हेल्पिंग द मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक्स क्रिएटेड बाई द ह्यूमन। फजी लॉजिक्स का यूज़ किया जाता है, जो ह्यूमंस के द्वारा कई तरह के लॉजिक्स बनाए गए हैं, उसमें से हो सकता है कुछ फालतू लॉजिक्स भी हैं, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए बनाया गया है ये फजी लॉजिक। उसके बाद है, इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम विच आर सूटेबल फॉर अप्रोक्सीमेट और अनसर्टन रीजनिंग। तो फजी लॉजिक, जो फजी लॉजिक का जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो उन सिचुएशंस का सॉल्यूशन लेने के लिए बेस्ट है ना, जहाँ पे अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर चल जाएगा, मतलब आपको अप्रोक्स में भी अगर आपको आंसर मिल जा रहा है, रिजल्ट मिल जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, फजी लॉजिक बेस्ट होता है। उसके बाद इन फजी लॉजिक एवरी थिंग इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री। फजी लॉजिक में हर चीज़ क्या होती है, एक मैटर ऑफ डिग्री होती है, डिग्री पर बात करते हैं हम। उसके बाद एंड सिस्टम विच इज़ सॉरी इन इन दिस एनी सिस्टम विच इज़ लॉजिकल एंड कैन बी ईजिली फजीफाइड। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो लॉजिकल है उसको फजीफाइड किया जा सकता है। फजीफाइड का क्या मतलब होता है, हम फजी सेट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फजी सेट्स मतलब जो सेट्स फजी लॉजिक समझ सके, वो उस लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फजी लॉजिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड होती है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज बाई द क्वान्टिटेटिव एनालिस्ट फॉर इम्प्रूविंग दियर एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूशन। तो फजी लॉजिक का यूज़ क्वान्टिटेटिव एनालिस्ट के द्वारा भी किया जाता है, उनकी एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू इंटीग्रेट विद द प्रोग्रामिंग। फजी लॉजिक प्रोग्रामिंग के साथ फजी लॉजिक को इंटीग्रेट करने के लिए भी अलाउ करती है। तो ये फजी लॉजिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम आर्किटेक्चर ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। फजी लॉजिक सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है, कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली। तो देखिए फजी लॉजिक में क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं, रूल बेस होता है, फजिफिकेशन मॉड्यूल होता है, इन
इन्फ्रेंस इंजन होता है और डीफजिफिकेशन मॉड्यूल होता है। यहाँ पे डिस्कस करिए, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि रूल बेस में जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इफ देन कंडीशंस वाली जो भी होती हैं रूल्स, वहाँ पे होती हैं। सबसे पहले क्रिस्प इनपुट, क्रिस्प इनपुट मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको वो डाला जाता है इसमें। तो फजिफिकेशन मॉड्यूल जो होता है वो क्या करता है, इसको फजी इनपुट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फजी सेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको कन्वर्ट करके इन्फ्रेंस इंजन के पास भेजता है। अब इन्फ्रेंस इंजन इस रूल बेस्ड से, जितने भी रूल्स हैं, इफ देन कंडीशंस हैं, उनसे वो क्या करेगा, उन डेटा सेट जो उसको मिला है फजी सेट्स में जो अब कन्वर्ट हो चुका है उससे मैच करेगा, और जब मैच कर जाता है तो उसको डीफजिफिकेशन मॉड्यूल के पास भेज देता है, और डीफजिफिकेशन मॉड्यूल उसको एक क्रिस्प आउटपुट में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। क्रिस्प आउटपुट मतलब एक ऐसा आउटपुट जो यूज़र के द्वारा समझा जा सके। तो ये एक सिंपल प्रोसेसिंग हो गई कि कैसे ये काम करता है, और देखते हैं इसके बारे में बातें क्या क्या हैं वो देखिए। तो देखिए, इन द आर्किटेक्चर ऑफ द फजी लॉजिक सिस्टम ईच कॉम्पोनेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो फजी लॉजिक सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसमें जो भी कॉम्पोनेंट है सबका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। द आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फोर कॉम्पोनेंट्स। तो इस आर्किटेक्चर में चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पहला रूल बेस, दूसरा फजिफिकेशन मॉड्यूल, तीसरा इन्फ्रेंस इंजन और चौथा होता है डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल बेस्ड। तो रूल बेस्ड वो कंपोनेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं और जो इफ़ देन कंडीशंस होती हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा उसमें डाली गई होती हैं उसको स्टोर करने का जो कंपोनेंट है वो रूल बेस्ड होता है। जैसे नॉलेज बेस होता है ना हमारा एक्सपर्ट सिस्टम में, वैसे यहाँ पे रूल बेस होता है। तो रूल बेस में क्या होती है, जो भी सेट ऑफ रूल्स डाली गई होती हैं और जो भी इफ़ देन कंडीशंस होती हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई होती हैं ताकि जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो हमारा है ये वो बढ़िया से काम कर सके। ठीक, तो रूल बेस में सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। उसके बाद जो होता है फजिफिकेशन। तो फजिफिकेशन इज अ मॉड्यूल और कॉम्पोनेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम इनपुट, दैट इज इट कन्वर्ट द क्रिस्प नंबर इन टू फजी स्टेप। तो ये क्या करता है फजिफिकेशन मॉड्यूल, जो क्रिस्प नंबर है जो इनपुट डालता है यूज़र उसको क्या करता है फजी स्टेप्स में, फजी स्टेप्स में, फजी सेट्स में उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो क्रिस्प नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आर दोज इनपुट्स विच आर देन मेजर्ड बाय द सेंसर्स एंड देन फजिफिकेशन पास देम इनटू द कंट्रोल सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये जो क्रिस्प नंबर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सेंसर्स इनको मेजर करते हैं और उसके बाद जो फजिफिकेशन होता है मॉड्यूल वो उनको कंट्रोल सिस्टम में, इन्फ्रेंस इंजन में क्या कर देता है, पास कर देता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग हो सके। और ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो फजिफिकेशन है, जो भी इसको इनपुट सिग्नल मिलता है ये उनको 5 स्टेट में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से, लार्ज पॉजिटिव, मीडियम पॉजिटिव, स्मॉल, मीडियम नेगेटिव और लार्ज नेगेटिव, इन तरीके से इनको डिवाइड कर देता है। ये दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्रेंस इंजन। तो इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है इन एनी फजी लॉजिक सिस्टम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहीं पे प्रोसेस होती है, ठीक है, इन्फ्रेंस इंजन में ही प्रोसेस होती है। तो इट अलाउज यूज़र टू फाइंड द मैचिंग डिग्री बिटवीन द करेंट फजी इनपुट एंड द रूल्स। तो इस यूज़र को ये अलाउ करता है ना फाइंड करने में कि जो करंट फजी इनपुट उसने डाला है और जो रूल्स है उस रूल बेस में तो उनको मैच करता है ये। और आफ्टर द मैचिंग डिग्री दिस सिस्टम डिटरमाइंस विच रूल इज़ टू बी एडेड अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट फील्ड। उसके बाद क्या करता है ये कि जो भी इनपुट मिला है उससे क्या करेगा, रूल बेस से जितने भी रूल्स हैं, इफ देन कंडीशंस हैं, उनसे मैच करेगा। और जो इनपुट इसको मिला है अगर उससे वो मैच हो गया, जो रूल उससे मैच हो गया, तो वो क्या करेगा कि और सारे रूल्स को वो हटा देगा वहाँ से और जिसने जिससे मैच हुआ है उसको क्या कर देगा, डीफजिफिकेशन में भेज देगा। तो डीफजिफिकेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा मॉड्यूल या कॉम्पोनेंट है जो क्या करता है, जो फजी सेट होता है, जो फजी सेट ने इनपुट जनरेट किया होता है उसको क्या कर देता है, क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। क्रिस्प वैल्यू मतलब कि जो यूज़र के द्वारा अंडरस्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो,
तो ये जो पूरा कंपोनेंट है और स्टेप है फजी लॉजिक का वो हुआ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है फजी लॉजिक की। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम। तो बिजनेस में फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम के लिए। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोटिव सिस्टम्स, ऑटोमोटिव सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक एंड स्पीड, स्पीड और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिव ट्रांसमिशंस की। उसके बाद है डिफेंस में भी फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है। तो डिफेंस में फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है अंडर वाटर टारगेट रिकॉग्निशन के लिए और ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन के लिए, जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस होती हैं उनकी। उसके बाद है कि पैटर्न रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है फजी लॉजिक का, ठीक। फजी इमेजेस की सर्चिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फजी लॉजिक सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ किया जाता है, जो ल्यून्स पावर होती है और जो कुकिंग स्ट्रेटजी होती है उसको सेट करने के लिए। उसके बाद फजी लॉजिक सिस्टम का मॉडर्न जो कंट्रोल सिस्टम्स है जैसे एक्सपर्ट सिस्टम, अभी हम पिछले वीडियो में हमने देखा है वो क्या है, उनमें भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस में भी यूज़ किया जाता है फजी लॉजिक का, ताकि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सके। उसके बाद ब्रेक्स को कंट्रोल करने में भी फजी लॉजिक का यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है पीएच को, केमिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, ताकि मिल्क और चीज़ प्रोडक्शन की ऑप्टिमाइजेशन को चेक किया जा सके। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर्स और टाइमिंग जो होती है वॉशिंग मशीन की, उसको सेट करने के लिए भी फजी लॉजिक का यूज़ होता है। और हीटर्स में, एयर कंडीशनर्स में भी फजी लॉजिक का यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि द मेथडोलॉजी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वर्क सिमिलरली एज द ह्यूमन रीजनिंग। तो जो फजी लॉजिक का मेथडोलॉजी है, जो स्टेप है, वो ह्यूमन रीजनिंग की तरह ही काम करता है, तो ह्यूमंस को समझने में भी आसानी होगी होती है। एनी यूजर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फजी लॉजिक। फजी लॉजिक का जो भी स्ट्रक्चर है उसको कोई भी ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, जो भी यूजर है। इट डज़ नॉट नीड अ लार्ज मेमोरी। फजी लॉजिक के लिए कोई बहुत लार्ज मेमोरी की ज़रूरत होती है नहीं होती है, क्योंकि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो फीवर डेटा में ही समझाए जा सकते हैं, इसलिए डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ वाइडली यूज इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। फजी लॉजिक का यूज़ लाइफ के हर फील्ड में ऑलमोस्ट किया जाता है, अभी एप्लीकेशन में हमने देखा। और ये इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है हर प्रॉब्लम के लिए, एंड हैव हाई, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये। इट अलाउज यूजर्स फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रोल मशीन्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंट्रोल मशीन्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी फजी लॉजिक क्या करता है, हेल्प करता है। द डेवलपमेंट टाइम ऑफ फजी लॉजिक इज शॉर्ट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जो डेवलपमेंट टाइम है फजी लॉजिक का वो शॉर्ट है, कम है बहुत। ड्यू टू इट्स फ्लेक्सीबिलिटी एनी यूजर कैन ईजिली एड एंड डिलीट रूल्स इन FLS। तो फजी लॉजिक सिस्टम में, क्योंकि इसकी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ईजिली अंडरस्टेबल होता है, तो कोई भी यूज़र कोई भी रूल आसानी से ऐड कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो द रन टाइम ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम इज स्लो एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस आउटपुट। जो रनिंग टाइम होता है फजी लॉजिक सिस्टम का वो स्लो होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, मतलब सॉल्यूशन बताने में। द पॉसिबिलिटीज प्रोड्यूस बाई द FLS आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। जो भी पॉसिबिलिटीज फजी लॉजिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है, बताता है, वो हर बार एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो ये भी इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। Many researchers give various ways for solving a given statement using this technique which leads to ambiguity. तो देखिए फजी लॉजिक सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट से वो रूल्स और इफ देन कंडीशंस इकट्ठा किए होते हैं उन्होंने, मतलब फजी लॉजिक सिस्टम ने, तो क्या होता है कई सारे रिसर्चर्स का व्यू पॉइंट रहता है। तो एक किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए जब सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, तो एक पूरा कन्फ्यूजन बन जाता है। उसके बाद क्योंकि अलग अलग क्या होते हैं थिंकिंग रहती है, उसमें व्यू पॉइंट रहता है, इसलिए एम्बिग्यूटी मतलब कन्फ्यूजन का एक सिस्टम बन जाता है। उसके बाद फजी लॉजिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर दोज प्रॉब्लम विच रिक्वायर हाई एक्यूरेसी। तो फजी लॉजिक, क्योंकि अभी पिछले ही हम अभी देखा हमने कि हर बार एक्यूरेट ही नहीं देता है सोल्यूशन ये,
तो इससे क्या होता है ना कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हाई एक्यूरेसी चाहिए, उस सॉल्यूशन चाहिए हाई एक्यूरेसी वाला, बिल्कुल सही सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए सही नहीं है। उसके बाद है द सिस्टम ऑफ फजी लॉजिक नीड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो फजी लॉजिक का जो सिस्टम है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत होती है जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फजी लॉजिक के।